Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in my channel Deepika Prajapati. So let's start. Today we are going to discuss about one new additional control as a picture box. हम लोगों ने पहले कई additional controls, इनकी पहली जो video series हमारी है वहाँ पर हमने concept के साथ live practical demo के साथ understand किया है. अब हम जो न्यू एडिशनल कंट्रोल जो है वो स्टडी करने वाले हैं. सो वो वाला जो हमारा कंट्रोल्स है वो पिक्चर बॉक्स है. सो पिक्चर बॉक्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगा विजुअल स्टूडियो में, उसका कंसेप्ट क्या है, वर्किंग क्या है. सो यदि आप लोगों को कोई इमेज डिस्प्ले करनी हो आपकी साइट में, अदरवाइज़ आप लोग को पता है कि आप लोग कोई बड़ी साइट है जैसे कि अमेज़ोन है या कोई भी है, वो साइट आप लोग ओपन करते हो तो आप लोगों को साइड में एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, अदरवाइज़ कोई पिक्चर आ जाता है. सो इस तरह का आप लोगों को भी अपनी साइट में पिक्चर्स लाना है, एडवर्टाइजमेंट पुटअप करना है. सो इस तरह से आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं. तो वो कैसे होता है, सो पिक्चर बॉक्स का वर्किंग क्या है. सो द पिक्चर बॉक्स इज़ यूज फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन द फॉर्म and the image property of the control allow you to set an image at a run time otherwise at a design time. so उसका property table इस तरह का है. हम किस किस property जो है वो picture box control के लिए set कर सकते हैं. so यहाँ पर back color है, image location है, size mode है, tab index है, ये सारी जो property आप लोग दिख रहे हैं ये सारी property हम पिक्चर बॉक्स जो हमारा एडिशनल कंट्रोल है वहाँ हम सेट कर सकते हैं. सो ये वाला क्वेश्चन जब जीटीयू के एग्ज़ाम में आस्क हो तो आप लोगों को पहले उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बाद ये वाला जो प्रॉपर्टीज़ टेबल यहाँ पे दिखाया है इस तरह का प्रॉपर्टी टेबल ड्रॉ करना है. उसके बाद नेक्स्ट उसका मैथड टेबल है, कौन सी मैथड हम यूज़ कर सकते हैं. सो टू स्ट्रिंग मैथड है जो हम पिक्चर बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो टू स्ट्रिंग वाली जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. सो हमारा जो पिक्चर बॉक्स करंट में है वहाँ पे आप लोग जो कोई स्ट्रिंग डालते हो सो वो स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए आप लोगों को मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, टू स्ट्रिंग मेथड. सो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. उसकी इवेंट्स है यहाँ पे क्लिक इवेंट, माउस एंटर, माउस लीव, रीसाइज, ये वाली सारी इवेंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. सो हम अभी जो यूज़ करने वाले हैं वो क्लिक इवेंट यूज़ करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल अबाउट पिक्चर बॉक्स. सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक पिक्चर बॉक्स का एग्जांपल दिखाया है. सो ये वाला आप लोग स्क्वायर देख सकते हो, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्क्वायर जो है यहाँ पर ये हमारा पिक्चर बॉक्स है जो आप लोगों को यहाँ से टूल बॉक्स देख सकते हो. टूल बॉक्स में से यहाँ से आप लोगों को ये वाला देख रहे हो पिक्चर बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही लिया हुआ है. सो ये पिक्चर बॉक्स जब आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो सो इसी साइज़ में आप लोगों को एट रन टाइम जो आप लोग पिक्चर लाना चाहते हो, इमेज जो शो कराना चाहते हो वो आ सकता है. सो इसका कोडिंग आप लोगों को कहाँ पर करना है, इसका कोडिंग जो है आप लोगों को क्लिक इवेंट बटन से ही कर सकते हो. अदरवाइज़ यदि आप लोगों को बटन यूज़ नहीं करना है तो आप लोग उसकी जो फॉर्म जो है वहाँ डबल क्लिक करके फॉर्म की लोड इवेंट में भी आप लोग कोडिंग कर सकते हो. सो यहाँ पे मैंने कोई भी बटन यूज़ नहीं किया है, आप लोग देख सकते हो मैंने ओनली पिक्चर बॉक्स ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया है. सो इसका कोडिंग हम कहाँ करेंगे, सो ये हमारा फॉर्म जो है, जो फॉर्म दिख रहा है डिज़ाइनिंग में, वो फॉर्म पर डबल क्लिक करना है आप लोगों को. और फॉर्म के ऊपर आप लोग डबल क्लिक करोगे तब इस तरह से कोडिंग का पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइवेट सब फॉर्म वन अंडरस्कोर लोड. सो ये वाली लोड इवेंट है हमारी फॉर्म की, जब आप लोग फॉर्म पे डबल क्लिक करोगे तब ओपन हो जाएगी. और यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से कोडिंग करना है. तो हमने क्या लिया है, पिक्चर बॉक्स, इसलिए हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज इज इक्वल्स टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल. कहाँ से हमें पिक्चर्स लेना है, सो फ्रॉम फाइल में आप लोगों को पाथ देना है जहाँ पर आपकी आपकी पिक्चर है स्टोर हुई है वहाँ से आपको उसकी प्रॉपर्टी में जाकर पाथ लेना है. और वही पाथ
आप लोगों को मी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पेस्ट करना है, और बस ये दो लाइन का ही कोडिंग है पिक्चर्स शो करने के लिए। सो आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा। पहले आप लोगों को पिक्चर बॉक्स 1.इमेज लिखना है, उसके बाद इमेज डॉट कहाँ से शो होनी चाहिए, तो जहाँ पे हमारा स्टोर हुआ है पिक्चर उसका पाथ है वहीं से स्टोर जो है यहाँ से ही हमारी पिक्चर जो है वो शो होनी चाहिए, इसलिए हम फ्रॉम फाइल करके उसका पाथ यहाँ पे है वो डिनोट्स किया है। सो अब मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाती हूँ। सो आप लोगों को यदि मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा आइडिया आएगा। सो लेट स्टार्ट, अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। सो आप लोगों को पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज 2015 ओपन करना है, और वहाँ पे इस तरह से फॉर्म जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैं उसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देती हूँ। आप लोग भी इस तरह से अपना फॉर्म मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब यहाँ मैं पिक्चर बॉक्स ले लेती हूँ। यहाँ जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में से पिक्चर बॉक्स इस तरह से आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब थोड़ा पिक्चर का जो हाइट विड्थ है वो मैं बढ़ा देती हूँ ताकि हमारा पिक्चर जो है वो थोड़ी बड़ी साइज़ में आए रन टाइम पे। सो ये हमारा जो पिक्चर बॉक्स है वो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब यहाँ पे कौन सा पिक्चर मुझे लाना है वो अब हम कोडिंग के बेस में पाथ सेट करेंगे। सो अब मैं जो फॉर्म है वहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ। सो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगी इस तरह से फॉर्म की लोड इवेंट आप लोग देख सकते हो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मेरी फॉर्म की लोड इवेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ मुझे कोडिंग करना स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, पिक्चर बॉक्स। सो यहाँ पे पिक्चर बॉक्स 1.इमेज इज इक्वल्स टू इमेज डॉट, आपको जहाँ से फाइल लेनी है इसके लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा फ्रॉम फाइल और पैरेंथेसिस इट मीन्स ब्रेसेस में विद इन अ डबल कोटेशन यहाँ पे आप लोगों को पाथ देना है। अब पाथ आप लोग कौन सा देंगे, जो पिक्चर आपको चाहिए उसका। सो सपोज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मिनिमाइज़ करके, मुझे शायद ये वाला पिक्चर चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियर, ये मुझे पिक्चर चाहिए। तो क्या करना है, आप लोगों को जहाँ पर भी आपका जो इमेज है उसकी राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है यहाँ पे वहाँ पर क्लिक करना है प्रॉपर्टी। और जैसे ही आप लोग प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे यहाँ लोकेशन दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे लोकेशन है। सो आपको क्या करना है, ये वाला जो लोकेशन का पाथ है उसको कॉपी करना है। सो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारा है वहीं पे पेस्ट करना है। सो ये वाला पाथ मेरा आ चुका है। अब यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा, अभी भी आप लोगों को पाथ कॉपी करना है। यहाँ पे देखो सी ड्राइव में, यूज़र के फोल्डर में, SSP3 के फोल्डर में, डेस्कटॉप पर अभी भी बाकी है। अभी आप लोगों को पाथ कंप्लीट नहीं है, अभी आप लोगों को पाथ में ऐड करना है। सो ये जो मेरा पाथ मैंने यहाँ से लिया हुआ है प्रॉपर्टी में से, वहीं पर आप लोगों को डेस्कटॉप के बाद इस तरह का स्लैश करके अभी भी एक कॉपी करना है। सो ये वाला कॉपी हो जाए तब आप लोगों को आपने जो इमेज का नेम रखा है दिया हुआ है, यहाँ पे मेरी इमेज का नेम क्या है, कंप्यूटर इंजीनियर। सो ये वाला जो मेरा नेम है उसको अब मैं कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद उसको ये हमारा स्लैश है उसके आफ्टर ही पेस्ट करना है। अभी भी मेरा पाथ कंप्लीट नहीं है, अभी भी आपको डॉट करके इसका एक्सटेंशन क्या है वो देख लेना है। सो अब हम एक्सटेंशन भी देख लेते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg है। सो कंप्यूटर इंजीनियर के बाद आप लोगों को यहाँ पे डॉट करके क्या लिखना है, JPG, जो हमारा इमेज का एक्सटेंशन है। कौन सी फॉर्मेट में हमारी इमेज है, JPG फॉर्मेट में। सो अब ये हमारा पाथ जो है वो कम्प्लीटली ब्राउज हो चुका है। अब क्या करना है, इसी पाथ को आप लोगों को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके आप लोगों को नेक्स्ट
यहाँ पर ही ऐसे लिखना है मी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको फिर से ये वाला जो पाथ है वो पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो जाने के बाद आपका जो कोडिंग है पिक्चर बॉक्स का वो कंप्लीट हो जाता है और अब इसको रन करना है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा प्रोजेक्ट रन करने के लिए और देखना है हमारा पिक्चर बॉक्स जो हमारी इमेज है वो आती है या नहीं। सो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ट होना शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ट होना शुरू हो चुका है, बिल्ट स्टार्टेड हो चुका है। यहाँ से बिल्ट हमारा थोड़ी देर में सक्सीड भी हो जाएगा और आउटपुट भी आ जाएगा। थोड़ा सा ही वेट करना है, हमारा आउटपुट आ जाएगा बिकॉज कोई भी एरर नहीं है। सो यदि एरर होती तो रेड लाइन या कुछ वार्म अप अदरवाइज वार्निंग भी हम लोगों को दे देते, लेकिन कोई भी एरर नहीं है। अब सक्सीड हो चुका है और आउटपुट भी इन अ फ्यू सेकेंड में आ जाएगा। देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा आउटपुट आ चुका है, ट्रस्ट मी कॉज आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। सो ये मैंने इमेज आप लोगों को दिखाई थी। सो ये इस तरह से आउटपुट भी आ जाता है। सो ये हमारा जो है वो पिक्चर बॉक्स का कोडिंग है और उसका लाइव परफॉर्मेंस डेमो है। सो जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का पिक्चर बॉक्स कंट्रोल एस्क होता है तो आप लोगों को इसको इस तरह से पहले डिज़ाइनिंग करना है, उसका कोडिंग भी राइट डाउन करना है और कोडिंग राइट डाउन करने के बाद आप लोगों को आउटपुट भी दिखाना है। सो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो ये आप लोग ने कोडिंग भी कम्प्लीटली देख लिया है, इस तरह का आउटपुट भी हम लोगों को मिल जाता है। सो आई होप यू ऑल इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द पिक्चर बॉक्स कंट्रोल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप में और यहाँ मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसकी कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके सो आई होप यू ऑल इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल कंट्रोल्स फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। सो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियोस तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और लाइक करो। ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।